वहीं यूपी समेत देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप इस वक्त झेलने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में पारा हाई है। यूपी में गर्मी से अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि फुर्सतगंज, उरई, हमीरपुर, झांसी और आगरा भी सबसे गर्म रहे हैं। वहीं प्रयाग की अगर बात करें, प्रयागराज में जो तापमान रहा है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गोरखपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वहीं अगर मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में लोग गर्मी से परेशान हैं, पारा 44 डिग्री के पार है। नोएडा में तापमान 43 डिग्री के पार है। आगरा का तापमान 48, तो वहीं हमीरपुर का 47.6 दर्ज किया गया है। झांसी के तापमान की अगर बात करते हैं तो 47.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वाराणसी में 47.4 डिग्री, वहीं उरई का तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि फतेहपुर में पारा 46.2 डिग्री, इटावा में 45.4 डिग्री और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बहराइच में 45 डिग्री सेल्सियस जो पारा दर्ज किया गया है। ऐसे में देखिए अंदाजा लगाना बेहद, क्योंकि जिस तरह से लोग गर्मी में घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो लू का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर आपको बता दें कि गर्मी की वजह से कुछ लोगों की जान भी गई है। ऐसे में लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। और न्यूज वन इंडिया भी आपसे यही अपील करता है। तापमान की अगर बात करें तो बरेली में तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि मेरठ में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नोएडा की अगर बात करते हैं तो 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार दिन प्रतिदिन गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। गोरखपुर में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा देवरिया, बस्ती में भी छिटपुट बादलों के छाए रहने का अनुमान है। तो नोएडा में 3 जून तक बादल और बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं उरई की अगर बात करें तो 47.4 डिग्री सेल्सियस यहां तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर इटावा की बात करते हैं तो 45.4 डिग्री यहां तापमान दर्ज किया गया है। बहराइच में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आगरा में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं हमीरपुर में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गोंडा की है, दूसरी तस्वीर हम आपको जौनपुर की दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है और चौथी तस्वीर हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं और पांचवी तस्वीर गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। पांच तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लखनऊ की तस्वीर जहां पर आग लगी है ट्रांसफार्मर में, और ये एक दर्शाता है कि किस तरह से गर्मी का प्रकोप है। जहां इंसान झुलस रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जो मशीनें भी हैं वो गर्मी की जद में आ रही हैं। वहीं देखिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए अलग अलग तस्वीरें पूरे देश के कोने कोने से सामने आ रही है, गर्मी का भीषण प्रकोप का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ गर्मी के हालात हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं दिल्ली वासी गर्मी की जो तपिश है वो झेल रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले 52 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली का जो तापमान है वो चला गया था। इसके साथ ही कई जगहों पर एडवाइजरी भी जारी हुई है। आपने देखा कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उन्होंने बाकायदा
ये आदेश दिया है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो मजदूर हैं वो काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो ठेकेदार हैं वो पूरी तरीके से मजदूरों के लिए नारियल पानी सहित तमाम जो पेयजल है उसका प्रबंध भी कराएंगे। तो निश्चित रूप से तमाम तरीके के एहतियात बरतने के लिए भी तमाम आदेश भी जारी हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली में आपने ये भी देखा कि इतनी भीषण गर्मी में कई जगहों पर बिजली की कटौती भी हो गई, इसके साथ ही पानी की भी समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों में अलग वार्ड भी कई जगहों पर बनाए गए हैं, यानी कि जिन्हें डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिन्हें गर्मी की वजह से तमाम परेशानियां हो रही है, वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो इसके लिए अस्पतालों को भी तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और उस तरीके की तैयारियां करने के लिए कहा गया है और उस तरीके की दवाइयां रखने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 6 से 7 दिनों तक इसी तरीके की स्थितियां बनी रहेगी, हालांकि इस बीच बारिश होने के भी आसार है। इसके साथ ही तमाम विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी वो घरों से निकले, और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन पर गर्मी का असर काफी ज्यादा पड़ता है, कहीं कहीं उन्हें काफी परेशानियां होती है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि दिल्ली के लोग या बाहर से भी जो लोग आते हैं वो इंडिया के सहित ऐसे तमाम जो पर्यटन के स्थल हैं वहां तो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो गर्मी में और इस भीषण धूप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी होगी। इसलिए कहा गया है कि अगर उन्हें ऐसी जगहों पर जाना है तो या तो सुबह में जाए या तो शाम को जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार की बात करें या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यानी कि केंद्र सरकार की बात करें, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से तैयारी जो है वो पूरी रहे, लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और कहीं ना कहीं गर्मी की अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें तो करीब 39 से 40 डिग्री तक जो सेल्सियस है वो चला गया है, यानी कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से देश की राजधानी दिल्ली में काफी गर्मी है और इसके साथ ही लू चलने की भी संभावना है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो उस तरीके की एहतियात बरतने के लिए भी तमाम विशेषज्ञों की ओर से लगातार कहा जा रहा है और केंद्र सरकार सहित दिल्ली सरकार की ओर से भी ऐसी तैयारी की गई है कि किसी को परेशानी ना हो। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए गर्मी है और ऐसे में गर्मी में घरों से बाहर निकलना भी, लोग जो कामकाजी लोग हैं वो आमतौर पर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे गर्मी का प्रकोप भी वो लोग झेल रहे हैं। ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लोग जरूरी है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं कामकाज के लिए तो उन्हें थोड़ी सहूलियत मिल पाए, ऐसी क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अलग अलग इलाकों में कई जगहों पे पेयजल की व्यवस्था की गई है और आमतौर पे जो प्याऊ कहा जाता है जिसे उसकी भी व्यवस्था की गई है, और कई जगहों पे सरकार की ओर से तो कई जगहों पे तमाम समाजसेवी संस्थाओं की ओर से भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान तमाम जो लोग जो दुकान अपना चलाते हैं और जो रेडी पटरी वाले दुकानदार हैं उनको काफी समस्याएं होती हैं, वो कड़ी धूप में अपनी दुकान चलाने के लिए मजबूर होते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी कई जगहों पर पानी की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। इसके साथ ही मेडिकल की टीमें जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है कि कहीं भी इस तरीके की स्थिति बनती है या कि कोई बीमार होता है तो कहीं ना कहीं उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो बेजुबान जानवर है, जो पशु है, उनके लिए भी कई जगहों पर व्यवस्था की गई है पानी की। हालांकि आमतौर पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि जब पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आम लोगों की ओर से कराई जाती है या जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो इस तरीके की व्यवस्था करते हैं, तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं लेकिन उस स्तर पर व्यवस्थाएं नहीं की गई है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से लोग इस भीषण गर्मी में जो तपिश झेल रहे हैं दिल्ली वासी, उनको पीने तक का पानी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, टैंकरों के लिए लाइनें लगी हुई है और कहीं ना कहीं टैंकर जहां पहुंच भी रहा है वहां पर ऐसी स्थिति आ रही है कि पानी के लिए भी नोकझोंक हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस भीषण गर्मी में दिल्ली वासी तपिश झेल रहे हैं और इस बीच तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी हो तो तभी कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर निकले और अपने साथ पानी की बोतल रखें, ऐसा पेय पदार्थ रखें जिससे गर्मी से जो है वो बचाव अपना कर सके, अपने साथ गमछा लेकर चले या चश्मा लगाकर चले, तमाम तरीके की जो सलाह है वो विशेषज्ञों की ओर से दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर गाड़ी में एसी ना चल रहा हो तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी में भी ना बैठे, क्योंकि तापमान जो है वो गाड़ी का ज्यादा बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, इस बीच अव्यवस्था भी फैली हुई है दिल्ली में खासतौर पे पानी को लेकर इस गर्मी में,
तो उस तरीके की व्यवस्थाएं किस तरीके से बेहतर हो, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कल आपने देखा कि गर्मी पर ही एक तरीके से पानी को लेकर ही कल बकायदा दिल्ली सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए तैयारियां भी जिस तरह से लगातार एक तरफ गर्मी को लेकर की जा रही है, लोग परेशान भी हैं, वहीं कहीं ना कहीं अभी फिलहाल राहत मिलने की खबर नजर नहीं आ रही है। हरिंद्र भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरिंद्र हरिंद्र, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में गर्मी के इस वक्त क्या कुछ हालात है? गोरखपुर का अगर बात किया जाए तो गोरखपुर में कल टेम्परेचर 42-43 था, आज अभी 10 बजे है और 10 बजे के समय में ही इतनी उमस और गर्मी है। 12 बजे 1 बजे क्या होगा, वह तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन 3 दिनों से लगातार जिस तरह से गर्मी और उमस है उससे लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। खासतौर से सड़कों पर निकल करके जो 2 जून की रोटी के लिए दौड़ते हैं उनके लिए मुसीबतों का सामना इस भीषण गर्मी में करना पड़ रहा है। बिल्कुल हरिंद्र, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को गर्मी का ज्यादा परेशानी ना हो? देखिए, हीला वाली की बात नहीं करनी चाहिए, जो सच हो उसे बताना चाहिए। जिला प्रशासन के तरफ से, नगर निगम के तरफ से कहीं भी किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है, न प्याऊ की व्यवस्था की गई है, न ही रेलवे स्टेशन पर, न ही बस स्टेशन पर, न ही चाक चौराहों पर कहीं प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है ताकि गर्मी से लोग अपनी प्यास बुझा सकें। सड़कों पर चलने वाले लोग जूस और गन्ने का रस और बोतल की पानी पी करके लोग अपनी गर्मी को मिटा रहे हैं, लेकिन गरीब असहाय लोगों के लिए किसी तरह की किसी चौराहे पर सुविधा नहीं की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए हरिंद्र आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, ऐसे में आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। पीयूष, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ पानी की किल्लत है, आज जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, अब गर्मी इस कदर है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो भयावह स्थिति तो कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिल ही रही होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ ही आपने देखा है किस तरीके से कल कई जगहों पे अगर टैंकर पहुंचे भी तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे से उस टैंकर का इंतजार कर रहे थे। और खासतौर पे ये स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है जहां पर कैंप लगे हुए हैं, जहां पर लोग रहते हैं, कैंप में रहते हैं, वहां पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। कई कॉलोनियों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि दिल्ली सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस बीच आपने देखा कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिश सिंह, उन्होंने हरियाणा पर भी एक तरीके से आरोप लगा दिया और कम पानी देने का ये आरोप लगाया गया था। और इसी बीच उन्होंने कहा कि हम अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो देश की राजधानी है और आमतौर पर आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो गर्मी की तपिश है वो आम शहरों से ज्यादा होती है। इसके साथ ही दिल्ली में चूंकि तमाम लोग कामकाज के लिए निकलते हैं और खासतौर पे तब समस्या बढ़ जाती है जब दिल्ली में लंबा ट्रैफिक जाम लगता है और लोग जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, जो रिक्शा से चलते हैं, जो ई रिक्शा से चलते हैं, उनको काफी समस्याएं होती है क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तक कहीं ना कहीं उन्हें ट्रैफिक में, धूप में, तेज धूप में खड़े रहना पड़ता है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिली जहां पर आपने देखा कि जब ज्यादा धूप हो जाती है तो लोग जो ब्रिज होते हैं, जो उसके नीचे छांव का सहारा जो है वो लेते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो अपनी यात्रा को भी स्थगित कर रहे हैं गर्मी की वजह से और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासी कहीं ना कहीं पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं और उनकी शिकायतें हैं कि अगर पीने का पानी इस भीषण गर्मी में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, सरकार इसको लेकर जवाब दे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, थोड़ी देर का वक्त बचा है जब दिल्ली बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया जाएगा। कई जगहों पर आपने देखा कि बिजली की कटौती भी कुछ देर के लिए हो गई थी, इस बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही चूंकि जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे सुबह से लेकर शाम की अगर हम बात करें तो 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक ऐसी स्थितियां बनती है कि काफी तेज धूप होता है, जो पारा है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इसको लेकर दिल्ली के जो राज्यपाल है उन्होंने भी बकायदा आदेश जारी किया है और बकायदा ये आदेश उन लोगों के लिए है जो भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि 12 से 3 बजे तक वो काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने ये कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर पेयजल का प्रयोग होगा, यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे चाहे ईंट की बात करें या अन्य
कामों के लिए पेयजल का प्रयोग होगा तो उस पर भी इस वक्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पेयजल को सिर्फ पानी पीने के लिए उपयोग में ही लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पेयजल को लेकर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है, गर्मी की तपिश जो है दूसरी तरफ बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं दो तरफ से जो दिल्ली वासी है उसकी मार झेल रहे हैं। यानी एक तरफ तपिश की मार, दूसरी तरफ पानी की किल्लत की मार। तो निश्चित रूप से अब सरकारों को सोचना होगा कि किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली वासियों को मुहैया कराए, ताकि वो इस गर्मी की तपिश में उनको पानी की जो सुविधा है वो मुहैया हो पाए और किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर लगाए गए, और आपने देखा है किस तरीके से दिल्ली जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था कि दिल्ली सरकार जो है वो शराब मुहैया करा दे रही है लेकिन पानी तक मुहैया नहीं करा पा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी कहीं ना कहीं गर्मी पर गर्मी में भी चल रही है, तो राजनीतिक पारा भी हाई है। और कहीं ना कहीं जो तापमान की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे शहर का तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक है पीयूष और हरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।